पार्टी के प्रवक्ता शादाब का बयान, पीस पार्टी के बिना भाजपा को हराना नामुमकिन, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार ना बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा ना बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान किसी पार्टी के गुलाम हैं। हम राजनीतिक हिस्सेदारी छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के हर समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी जरूरी है। पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण इस प्रकार है कि बिना पीस पार्टी के भाजपा को हराना नामुमकिन है। जिस प्रकार 2018 उपचुनाव में जिस समय पीस पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी तो गोरखपुर की योगी जी की सीट हरा दी गई थी और उसके बाद सपा बसपा आरएलडी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी गोरखपुर में भाजपा को नहीं हरा पाए। ये बहुत स्पष्ट है कि अगर अखिलेश जी वाकई में हराना चाहते हैं तो ये साथ लेकर भागीदारी की बात करना पड़ेगा। और एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टनरशिप के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी समाज के लोग पीस पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीस पार्टी पूरी मजबूती से प्रदेश भर में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम अकेले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री से बनने से रोकना हमारा पहला संकल्प होगा, भाजपा को रोकना संकल्प होगा। उसके लिए जो भी हो सकेगा हम लोग अवश्य करेंगे, लेकिन बिना राजनीतिक हिस्सेदारी, बिना पीस पार्टी के हिस्सेदारी के भाजपा को हराना नामुमकिन है। हमारा लक्ष्य है कि अहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा के आधार पर संपूर्ण मानवता के साथ न्याय हो, सबको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, सभी समाज वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार ना हो, यही हमारा संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।